अरे संभाल के, चलती बस में चढ़ना फैशन समझते हो? सॉरी, कॉलेज के लिए देर हो गई। अरे भाई दूसरी बस पकड़ लेते तुम। नहीं जी, लेट हो जाता तो क्लास मिस हो जाती ना। वैसे भी लेट एडमिशन हुआ है, मैंने एक महीने की पढ़ाई भी खो दी है। एक टिकट दीजिए। एक रोज क्लास मिस करने से जान चली जाएगी क्या? मेरी जान भी चली जाए लेकिन मुझे किसी भी सूरत में पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मगर जान के डर से पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता मैं। तुम जैसा मेहनती स्टूडेंट पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा तुम कौन से कॉलेज में ज्वाइन होने जा रहे हो? आरएनआर लॉ कॉलेज। आरएनआर लॉ कॉलेज, सुना भैया, आरएनआर लॉ कॉलेज में पढ़ने जा रहा है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? आरएनआर लॉ कॉलेज का नाम लेते ही हंसी आ जाती है। अरे क्या हो रहा है? अरे भागे वहां जल्दी आया। अरे जल्दी आ तू। अरे वॉचमैन, अरे वॉचमैन मक्खियां मार रहा है। वो रहा है, वो देख भाग रहा है। अरे सब कहूं भाग पकड़ ले भाग। अरे वॉचमैन, अरे सब मेरे बहुत मार तुम्हार। अरे वॉचमैन पागल हो। हे बहुत मिल गए, चलो चलो। उठाना चाहिए आजकल के जमाने में, मगर तुम तो मेरे हाथ देने पर भी मुझे छोड़ उस बैग को अहमियत दे रहे हो। क्या है कि तुम अपने आप उठ सकती हो लेकिन ये बैग नहीं उठ सकता। जोक करते हो। वैसे ऐसी कौन सी खास बात है उस बैग में? मेरे कॉलेज एडमिशन का स्लिप है। एडमिशन स्लिप? कौन से कॉलेज में? आरएनआर लॉ कॉलेज। आरएनआर? अरे हंसती क्यों हो? ए वहां बस में लोग हंसे और अब ये लोग, न जाने कॉलेज में क्या होगा। चल। छोड़ो। अरे भैया छोड़ो हमें। अरे छोड़ दो ना। अरे आइंदा नहीं करके छोड़ दो। अरे चल। अरे छोड़ो। अबे घूरता क्या? चल चल चल। अरे मार क्यों रहे हो भाई? अरे भैया इसने बहुत बड़ी गलती की है। क्या किया? हमारी क्लास में कोई नहीं पढ़ेगा, तुमने ऑर्डर दिया था लेकिन ये तुम्हारे ऑर्डर को ठुकरा कर सेंट्रल लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहा था। इसे खड़ा करो कल घरे में। चल जल्दी चल चल जल्दी चढ़ जा। चल योर ऑनर, कॉलेज जाने की उम्र हो गई मगर इसे समझ में नहीं आई। बहुत ही शर्म की बात है क्योंकि इस लॉ कॉलेज में पढ़ते हुए देश को ही धोखा दे रहा है। ओहो, इन्हें देखकर भारत के नौजवान पढ़ाई में ध्यान देकर गलत रास्ते में जाएंगे तो इस देश का क्या होगा बताओ? इस देश का क्या होगा बताओ? कॉलेज में विद्यार्थी को खूब सिगरेट पीनी चाहिए, हैप्पीली मदिरा पीनी चाहिए, लड़कियों को आंख मारनी चाहिए, लेकिन इस तरह आप बस पढ़ने आएंगे तो इस सतीश के पीनल कोड सेक्शन 420 के तहत आपने बहुत बड़ी गलती की है और इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे क्या क्षमा करना है? अरे मैं 3 सालों से फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ रहा हूँ कुछ पता है तुम्हें? फ्रेश यहाँ कॉलेज में आए कोई दाखिला ले उन्हें दिखाने के लिए कि मुझे देख के तुम सब पढ़ाई ना करो, क्लास में जाना छोड़ दो, हैप्पीली लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अरे हमें देख के बाकी के सारे स्टूडेंट्स लोगों को भी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। सुनो इनको ले जाओ और सजा देने के लिए तैयार करो। भैया, तुम्हारी गलती हुई है, मैं बिना कोई सजा दिए तुम्हें अब प्रमाण स्वीकार समारोह
हम एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने के नाते नाते लड़कियों को लाइन मारेंगे मारेंगे, जो बीच में आएगा उन्हें उड़ा देंगे उड़ा देंगे। कभी कभी शराब पीकर पीकर लेक्चरर्स को परेशान करते हुए प्रिंसिपल को भी सताएंगे, हम स्टूडेंट का पूरा आनंद उठाएंगे, इन सब बातों का अमल करेंगे, कसम खाते हैं। फॉलो मी, चल जल्दी लिखो। अरे हुआ तुम्हें? हाँ हो गया, जल्दी आ जाओ। प्रिंसिपल साहब, उस सतीश की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसका आज काम तमाम कर दूंगा। क्या करोगे तुम? वो तो भैंसों की तरह गुंडों को पाल रहा है, अगर उसे पता चला तो तुम्हारा कीमा मना देगा। हिम्मत है तो उसे मेरे सामने आने को बोलो। बोलो बोलो मत मत बोलो। अब तो गया लेक्चरर। क्यों गुरुजी, सुना मुझे याद किया आपने, घबराओ मत, हिम्मत से बोल दो। देखो सतीश, तुम गवर्नमेंट को चलाने जैसे हम लोगों के होते हुए भी अलग कॉलेज चला रहे हो, हम लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। हाँ आपको परेशानी है तो फिर एक काम करते हैं, एक साल के लिए मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। शिशु ब्रह्मा शिशु विष्णु शिशु देवो महेश्वरा, ऐसा कार्य न करना, पेट में लात मत मारना सतीश्वरा। ये हुई ना बात पंडित जी, अब तुम ईमानदारी से क्लास में जाकर बेंच और कुर्सियों को पाठ पढ़ाकर वापस जाओ। हाँ ऐसा ही करूंगा। चलिए प्रिंसिपल साहब, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नाउ आई विल टेक अटेंडेंस। नंबर वन। यस सर। नंबर टू। यस सर। नंबर थ्री। यस सर। नंबर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, थर्टी, थर्टी वन, थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स, थर्टी सेवन, थर्टी एट, थर्टी नाइन, फोर्टी। नंबर फोर्टी। प्रेजेंट सर। आज का काम खत्म। सर सर, आप तो यूं ही जा रहे हैं सर। तो क्या, रूम में झाड़ू लगाऊं क्या? सर ये बात नहीं है सर, लेसन का क्या? लेसन? हाँ? इस कॉलेज में तुम नए आए हो बेटा? जी सर। ओहो, ये बात है, यहाँ लेसन नहीं पढ़ाते बेटा, यहाँ सिर्फ अटेंडेंस ही होता सर, है। फिर हम पढ़ाई पूरी कैसे करेंगे? पढ़ाई भोला भाला लगता है, तुम्हें पढ़ाई ही करनी है तो इस कॉलेज में क्यों पढ़ने आए हो? ये बात नहीं है सर, मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे लॉयर बनना है, लॉयर की डिग्री हासिल करके अपने माँ बाप को दिखानी है मुझे, उन्हें खुश करना है। तेरी इच्छा और लगन मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे यहाँ आना पड़ा सर। पढ़ के पूरी तरह लॉयर बनने की तेरी इस लगन को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तुम जो चाहोगे वो हासिल करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। एक जरूरी बात, यहाँ एक सतीश नाम का भूरी दाढ़ी वाला स्टूडेंट है, उसमें दाढ़ी कम और शैतानी ज्यादा मौजूद है, उसे पता चले बिना मैं तुम्हें स्टाफ रूम में पाठ पढ़ाऊंगा। थैंक्स अ लॉट सर। संभाल के, वो जान गया तो परेशान करेगा, मुझे बाहर निकलवा देगा। जो भी हो उसे पता नहीं चलने दूंगा सर। साइलेंस। सॉरी, तुम और यहाँ? What man? कल मुझसे टकराए थे, आज डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम भी इसी कॉलेज की हो ना?
फिर कल कॉलेज का नाम लेते ही हंसने क्यों लगी? अरे ना, लॉ कॉलेज का स्टूडेंट कभी भी लॉयर नहीं बन सकता। ऐसे में इस कॉलेज में ज्वाइन होने आए तुम्हें देखते ही हंसी आ गई। सुनो, ये लॉ पढ़ेगा लॉ। हेलो, लॉ को इतना लो करके मत बोलो। दरअसल लाइफ में लॉ के बिना बात कर सकते हो। सपोज मान लो तुम किसी लड़के की पढ़ाई करना चाहती हो तो तुम अभिषेक बच्चन लगते हो कहोगी ना। उसी तरह कोई एक लड़की किसी दूसरी लड़की की पढ़ाई करना चाहेगी तो तुम ऐश्वर्या राय जैसी लगती हो कहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने एज पर लॉ शादी की। फिल्मों में फिल्म दिलवाला, मुंबई का मशहूर लोखंड वाला, बड़े बड़े काम करने वाला, हिम्मत वाला, यहाँ वहाँ से आने वाले पैसे का हवाला। उसी तरह मसाला, निवाला, निराला, अलवेला, दूध वाला, चाय वाला और सियासत में घोटाला। मनुष्य की जिंदगी एक लॉ है, लॉ के बिना जिंदगी कैसी? अरे बाप रे महाशय, गलती से मैंने लॉ के बारे में पूछ लिया तो इतनी लंबी क्लास लोगी क्या? मेरे इस कॉलेज में दाखिले से आज तक पहली लॉ क्लास। अच्छा, ये लाइब्रेरी को डिस्को में क्यों बदल दिया? हमारे कॉलेज की स्पेशलिटी यही है। क्लासरूम को स्पोर्ट्स रूम, स्टाफ रूम को स्टोर रूम, लाइब्रेरी की लॉ। तुम्हारी बातों में भी है ना ला। अच्छा, ये लाइब्रेरियन कहाँ है? कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। मे बी कैंटीन में हो सकता है। अरे सेठ जी, बात सुनिए। का रे इतना जोर से काहे चिल्ला रहा है? कोई मर गया है का? सचमुच मरा है, कॉकरेज दाल में गिरा हुआ है। इसके लिए चिल्लाता काहे है? उठा के फेंक दे। ठीक है। ओए पूरा बाल्टी काहे उठा रहा है? इसे बाहर फेंकने को कहा ना। मैंने कॉकरेज बाहर उठा के फेंकने के लिए कहा। ऐसा क्या? फिर ये कॉकरेज को निकाल के दाल फेंक दे। तो हर भेजे में का भूसा भरा है का? पकले बकेट वही रख। और बात सुन, आजकल कॉकरेज दाल को ही स्विमिंग पूल समझ रहे हैं। इसे हमें बिल्कुल फील नहीं करना चाहिए, समझा? अब बकेट को वहीं रखो और कॉकरेज को उठा के। फिर कॉकरेज का क्या करूं जी? चटनी में डाल के पीस दूं क्या? नहीं, तुझे नानरेज ज्यादा पसंद है तो बाहर जाके खा ले। अच्छा जी। हाँ? अरे राजू। हाँ बस। चाय में मक्खी क्यों पड़ी है? कोई बात नहीं, निकाल का पी ले। चाय में मक्खी पड़ी और तू निकाल के पीने को बोल रहा है? भैया कल शिपकली गिरी थी तो नहीं पिया था क्या? अरे ही का, कल पिया और उल्टी आज कर रहा है क्या? रे इस बड़े में तो छेद है। छेद होता नहीं, हम ही करते हैं।